नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। गिरफ्तारी का क्या मतलब होता है? अरेस्ट किसे कहते हैं? अरेस्ट उसे कहते हैं कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, तो उस जुर्म में उसे पुलिस पकड़ने जाती है, संदेह जाती है और पकड़ती है हाथ से, और उसकी स्वतंत्रता को वंचित कर दिया जाता है हिरासत में लेकर, लॉकअप में डालकर, तो वो अरेस्ट हुआ। लेकिन आजकल एक टर्म चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, इसमें न पुलिस जाती है न कोई जाता है, इसमें केवल डिजिटली काम होता है, कैमरे के जरिए काम, कैमरे के दायरे में आपको रहना है, आप डिजिटल अरेस्ट हैं। और ये अरेस्ट करने वाले पुलिस या कानून के लोग नहीं होते हैं, बल्कि अपराधी होते हैं, साइबर अपराधी। आपने देखा होगा इसी तरह की घटना पटना में हुई, एक महिला प्रोफेसर के साथ, उनको 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनके खाते से 3,07,00,000 रुपए उड़ा लिए गए, और जो भी रकम उनके खाते से गए वो दूसरे राज्यों में भेजे गए, किसी निर्माण कंपनी में, किसी ट्रेवल एजेंसी में। तो समझिए कि कितना बड़ा ये नेटवर्क है डिजिटल अरेस्ट का। पहले बड़े बड़े शहरों में इस तरह की बात सामने आती थी, दिल्ली मुंबई में, लेकिन अब बिहार में भी जमकर साइबर अरेस्ट की घटनाएं हो रही हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो जो आंकड़ा है वो काफ़ी चौंकाता है, 300 मामले डिजिटल अरेस्ट के बिहार में दर्ज किए गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है NCRP के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 300 से ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले साइबर सेल में दर्ज है। आप समझिए कि कितना गंभीर मामला है ये। इससे पहले 2 महीना पहले भी भागलपुर में एक महिला प्रोफेसर के साथ इसी तरह से ठगी की गई थी, और डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो हैं वो लगातार धमकियों के सहारे ही विक्टिम से पैसे निकलवाते हैं, CBI के नाम पर, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर, ED के नाम पर। और यही नहीं, CBI अफसर बनके सामने, कैमरे के सामने उनसे संवाद भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, और अरेस्ट वारंट व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। अब देखिए, कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरह का काम करती है क्या? कभी नहीं करेगी। लेकिन वो मानसिक रूप से विक्टिम को, पीड़ित को इतना ज़्यादा डरा देते हैं, उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं कि वो जो जो कहता है वो करते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या है साइबर क्राइम के जरिए जो हो रहा है डिजिटल अरेस्ट। हालांकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए बिहार पुलिस ने पूरे बिहार में 44 थाने बनाए हैं, लेकिन आप समझिए कि केवल डिजिटल अरेस्ट के मामले 300 हैं, तो सामान्य ठगी के मामले कितने होंगे? कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है, उसमें पैसे चले जाते हैं। कोई ये कहता है कि आपका बिजली कटने वाला है, आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें चला जाएगा। तो कई तरह से ठगी की जा रही है, यहाँ तक कि फ़ोन आता है कि टेलीकॉम विभाग की तरफ से फ़ोन आता है कि आपका जितने भी नंबर है वो सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अगर नहीं कराना है तो 9 नंबर दबाइए। तो आप दबाएंगे, उसके बाद आपका खाते से पैसे साफ हो जाएंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें पुलिस के द्वारा कम, पुलिस, मुझे नहीं लगता कि पुलिस उसको बहुत ज़्यादा कर सकती है। साथ में आपको खुद जागरूक रहना पड़ेगा, और जागरूकता के तहत ही ये किया जा सकता है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि ये जो जानकारी मिलती है कि किसके पास कितना पैसा है, ये निजी जानकारी, ये कैसे अपराधी, साइबर अपराधियों के पास पहुंचती है? या तो
देखिए डाटा तो बेच रहे हैं लोग, जैसे स्कूल में आपका या कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके माता पिता के यहाँ फोन आ जाता है कि आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है और आप उसको बचा सकते हैं इतना पैसा दे दीजिए। बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है, हमें भी फोन आता है, लेकिन हम जानते हैं इस बात को, सबसे पहले नंबर देख लिया कि ये 92 से अगर नंबर है तो उसको मत उठाइए, पाकिस्तानी नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें काफ़ी मतलब कोई या तो अपने कोई बताते होंगे कि इनके पास इतना पैसा है, या फिर बैंक से ये मामला लीक हो रहा है कि बैंक में इतना पैसा है उनके पास है, इस तरह से करो। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की धमकी किसी सामान्य व्यक्ति को दी जाए कि उसके पास पैसा ही नहीं हो तो फिर क्या करेगा। तो ये इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि बच्चों के बारे में जो फोन आता है उसमें तो डाटा बेचा जाता है कॉलेज की तरफ से या किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, तभी पिता और पुत्र दोनों का नंबर उसमें सामने आता है। तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर समस्या है, इसको निपटना बहुत ही मुश्किल का है। इसलिए मुश्किल का है कि साइबर क्राइम को एक साइबर क्राइम के एक पैटर्न को पकड़ने के लिए जब पुलिस उस पर रिसर्च करती है, काम करती है, तब तक साइबर क्राइम दूसरे ट्रिक पर चले जाते हैं, उनका उनका जो है काम करने का तरीका मॉडस ऑपरेंडिस बदलते रहता है। तो ऐसे में इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल का काम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि साइबर क्राइम जो करते हैं, जो अपराधी हैं, वो दिन भर में 100 फोन करते हैं जिसमें से 2-4-10 ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं। तो ये आंकड़ा अगर ये हम कहें तो काफ़ी चौंकाने वाला है, पर आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार की है उसने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी एजेंसी अधिकारी उसके लिए FIR भेजने के लिए किसी भी ऐप का इस्तेमाल नहीं करती है, ना ही वो व्हाट्सएप और किसी प्लेटफॉर्म पर वो का यूज करती है या Skype का यूज करती है। जैसे डिजिटल अरेस्ट करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है, वीडियो कॉल का या फिर Skype का। सरकारी एजेंसी ID या FIR की प्रति या वारंट कभी भी ऑनलाइन नहीं भेजेगी, वो आपको पुलिस के लोग आके आपको देंगे अगर आपके खिलाफ इस तरह का मामला है तो। तो ये तमाम चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें कि तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन जो घटनाएं मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है बिहार में, उसमें बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि साइबर क्राइम हो रहा है, बहुत सारे इस तरह के मामले अखबारों में मीडिया में आए दिन आते रहते हैं, लेकिन पता नहीं जब वो फोन करते हैं उसके बाद उनकी मना स्थिति कैसे बदल जाती है, वो जैसा जैसा अपराधी कहता है वैसा वैसा करने लगते हैं। तो इसमें जागरूकता के साथ साथ लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी देनी जरूरी होगी, और हालांकि इतने बड़े पैमाने पर तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझदार हैं, वो इन चीज़ों को समझें और इस तरह की ठगी से बचें। अभी अखबार में मैं देख रहा था कि मतलब एक दिन में कम से कम 10 लोगों को साइबर क्राइम ने निशाना बनाया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं। तो समझ लीजिए कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खुद को बचाए रखने में ही ज़्यादा ये है। अनजान नंबरों को ना उठाएं या फिर मैसेज पर बात करें, ये कुछ कदम उठाने पर शायद इससे बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।